अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की हमारी वीडियो बेसिकली पाकिस्तान रेलवे से रिलेटेड है। मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए कोई भी टिकट बुक करवा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने एक ये वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट बुक करवा दिया है, अब आपने उसको कैंसिल करवाना है तो आपने कैसे कैंसिल करवाना है। लेकिन उसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि जब आप कैंसिल करवा देंगे तो आपको आपका अमाउंट किस तरह से वापस मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि जब आपने अपना कोई भी टिकट बुक करवा दिया है पाकिस्तान रेलवे का ऑनलाइन अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए या फिर अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए, अब जो है वो आपको उस टिकट को कैंसिल करवाना है और वापस पैसे आपके इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट में किस तरह से आएंगे, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़ाइज़ा वसीम चैनल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि कैसे आपने टिकट कैंसिल करना है और टिकट कैंसिल करने के बाद कैसे आपको आपका अमाउंट वापस आपके इजी पैसा या फिर जैज़ कैश अकाउंट के अंदर वापस मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपना जो भी अकाउंट इसके ऊपर बनाया हुआ है वो आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने, ये इस वक्त मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, लेकिन चीज़ें आपके पास यही सारी चीज़ें शो होंगी। अब यहाँ पर आपने यूज़र डैशबोर्ड के अंदर चले जाना है, ठीक है। यूज़र डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ओके, यूज़र डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। चलें, यूज़र डैशबोर्ड के अंदर मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैं चली जाती हूँ होम के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करना है। अब होम के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई डोंट नो ये अभी क्यों शो नहीं कर रहा। चले मैं यूज़र डैशबोर्ड के अंदर दोबारा से जाकर देखती हूँ। अच्छा, आपके पास ऑप्शन आएगा, कंफर्म ऑर्डर्स का ऑप्शन आता है जो कि अभी इस वक्त मेरे सामने शो नहीं हो रहा। यूज़र डैशबोर्ड, इसको मैं यहाँ से किस तरह से हटाऊं? ओके, हाँ, यूज़र डैशबोर्ड के बाद मैं बैक कर रही थी इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अच्छा, यूज़र डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद ये आपके सामने सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने कंफर्म्ड ऑर्डर्स, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, कंफर्म ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कंफर्म्ड ऑर्डर्स में बेसिकली आपके सामने वो सारे ऑर्डर्स शो होंगे, मतलब कि वो सारी बुकिंग्स होगी जो कि आपने करवाई हुई होगी, अपनी सीट बुक जो करवाई होती है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रही होगी। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे पैसेंजर पोर्टल, योर रिसेंट बुकिंग्स। अब इस वक्त मेरे सामने कोई भी बुकिंग मेरे पास नहीं है, वरना मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर शो हो रहा होता, उसका ऑर्डर नंबर शो हो रहा होता, जर्नी डिटेल्स शो हो रही होती, नंबर ऑफ़ सीट्स शो हो रही होती एंड सो ऑन। तो वहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन, यहीं पर इसी लाइन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंसिल का। आप जैसे ही उस कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कन्फर्म करेगा कि वाकई कि आप अपनी सीट कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपने उसको ओके कर देना है। अब ये तो हो गई सीट कैंसिल सिंपल, लेकिन अब सीट कैंसिल होने के बाद पैसे किस तरह से मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, आप विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अमाउंट, अगर आप यहाँ पर ये चीज़ शो भी करवाता है, वो अभी इस वक्त इसलिए शो नहीं करवा रहा क्योंकि मेरी बुकिंग नहीं हुई हुई, वो ये चीज़ शो करवाता है कि आपका कितना परसेंट अमाउंट जो है वो कटेगा। थोड़ा परसेंट आपका कटता है, बाकी आपको वापस मिल जाते हैं।
कौन से अकाउंट में मिलते हैं जिससे आपने बुकिंग करवाई हुई होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने इजी पैसा से बुकिंग करवाई है तो आपको आपका अमाउंट वापस इजी पैसा अकाउंट के अंदर मिल जाएगा, और अगर आपने जैस कैश अकाउंट की बुकिंग से बुकिंग करवाई होती है तो वापस आपका अमाउंट जो है वो आपके जैस कैश अकाउंट में वापस आ जाता है विद इन 48 आवर्स। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी अगर आपने पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।